नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुड़िंग की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी तेज हो गई है और बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस बीजेपी की पूर्व सरकार पर प्रदेश को कर्ज में डुबाने का आरोप भी लग चुका है। और आपको बता दें कि बीते दिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को वेतन न देने पर सरकार पर निशाना साधा है, और जिस पर राजस्व मंत्री जगत नेगी ने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के पास केवल जुमलेबाजी करने का काम रह गया है। साथ ही पूर्व की सरकार ने हिमाचल पर 75,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर गए हैं और इसके अलावा 12,000 करोड़ की कर्मचारी की देनदारियां छोड़कर गए हैं। इसी के साथ में उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने कर्मचारी की देनदारियां नहीं छोड़ी होती है तो परिस्थितियां नहीं होती। जयराम जी तो अब ऐसा है कि उनके पास जुमलाबाजी के सिवाय काम नहीं है। 75,000 करोड़ का कर्जा वो छोड़ के दिए, कर्मचारियों का 12,000 करोड़ अलग से छोड़ के गए, और आज अगर जो जितनी भी समस्याएं आर्थिक रूप को अगर लेके चले हैं तो ये डबल इंजन की सरकार के कारण हुआ है। अगर इन्होंने वित्तीय प्रबंधन ठीक किया होता, केंद्र की जो डबल सरकार वाली बात कर रहे थे डबल इंजन का, या इम्प्लॉयज का जो देनदारियां ये अगर देके जाते तो उस किस्म की परिस्थितियां नहीं आती। परंतु इन परिस्थितियों के बावजूद जो है कांग्रेस सरकार जो है सभी किस्म के वादे पूरे कर रहे हैं, और कर्मचारियों का सबसे बड़ा जो है पेंशन योजना जो है हमने लागू कर दिया, पुरानी पेंशन योजना। जो मुख्य संसदीय सचिव, आपको बता दें कि पशुपालन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज किशोरी लाल ने यह भी कहा है कि मजबूत शिक्षण संस्थान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समृद्धि का स्रोत होने के साथ ही समाज को आगे बढ़ाने का माध्यम भी है। और साथ ही आपको बता दें कि ये बात सीपीएस ने बैजनाथ के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलेराह के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही गई। इसी के साथ किशोरी लाल ने भी कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों की बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर है। से है बच्चों के माता पिता की जिम्मेवारी है अपने बच्चों को संभालें, और वक्त है अगर आपके बच्चे अच्छे होंगे तो आप 4 दिन ज्यादा जिएंगे, और आपके बच्चे में कोई ऐब आ जाएगा तो आपको रात दिन उसकी चिंता रहेगी और जल्दी ही आपका पतन हो जाएगा। इसलिए समय है बच्चों के विकास के लिए, उन्हें पढ़ाएं भी और खेल कूद में बच्चों भाग लें, ये भी जरूरी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू करने वाले हैं, और साथ ही आपको बता दें कि करीब 6,700 किलोमीटर दूरी तक तय करके ये यात्रा 15 राज्यों से होकर मुंबई में समाप्त होगी। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव अभिषेक दत्त ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर रहा था और करके ये भी कहा कि ये यात्रा पिछले 10 साल के बीजेपी की केंद्र सरकार के अन्यायकाल के खिलाफ है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी मणिपुर से शुरुआत कर रहे हैं उस पर रखी गई है। आप सबको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने कड़कती धूप कन्याकुमारी से बर्फीले पहाड़ श्रीनगर तक 4,000 किलोमीटर देश में बढ़ती महंगाई, नफरत और बेरोजगारी के खिलाफ करी थी। एक ऐतिहासिक यात्रा जिसके सभी कांग्रेस परिवार के ही नहीं, वो विपक्षी दल जो कांग्रेस के साथ कई मुद्दों पर दिखाई देते हैं, बहुत सारे एनजीओ, युवा साथी, कहीं ऐसे लोग जो विभिन्न विभिन्न मुद्दों की आवाज इस देश में उठाते हैं, उन सब को आपने राहुल जी के साथ चलते हुए देखा। भले ही धूप थी, बारिश थी, ठंड थी, श्रीनगर में आखिरी दिन बर्फ भी थी, परंतु राहुल जी की यात्रा रुकी नहीं। एक मंदिर जो अब तक पूरा नहीं हुआ, मैं केवल एक बात से अपनी बात को विराम करना चाहता हूं कि ये मुद्दा कुछ और है, फिर दूसरे मुद्दे पर हम पहुंच जाएंगे। भगवान राम सबके, पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं,
फिर मुद्दा भटक जाएगा, तभी मैं इस मुद्दे पे नहीं जा रहा। तभी मैंने कहा हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। आप हम सब मंदिर जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में बहुत मंदिर, हिमाचल प्रदेश के मंदिर भी जाता हूँ। मुझे तो कभी कोई इन्विटेशन किसी मंदिर से नहीं आया। भगवान के लिए इन्विटेशन नहीं चाहिए होता, कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा नहीं जो भगवान का इन्विटेशन के ना। खबर शिमला से है, जहां पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव सहजल ने मीडिया में जारी बयान में कहा कि कृष्णा लैब जो कि मेडिकल क्षेत्र में प्रदेश में फ्री सेवाएं दे रहे थे, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार कॉन्ट्रैक्ट टेंडर प्रक्रिया की तरफ से 2021 में कार्य करना शुरू किया था। वर्तमान हिमाचल प्रदेश सरकार का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2021 में जो है वो हुआ था टेंडर की प्रक्रिया के द्वारा, और इसके द्वारा इसके माध्यम से कृष्णा लैब को अधिकृत किया गया था पूरे प्रदेश के अंदर। प्रदेश के सभी मुख्य अस्पतालों में आम आदमियों के जो टेस्ट होते हैं उसको करने का, और इसमें छोटी इन्वेस्टिगेशन से लेकर के हाई एंड इन्वेस्टिगेशन जैसे सीटी स्कैन तक जो है ये सारा कार्य कृष्णा लैब को दिया गया था। आज एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हिमाचल प्रदेश के अंदर खड़ी हो गई है कि जो पैसा एनएचएम से कृष्णा लैब को मिलना था वो पैसा जो है वो तकरीबन 54 करोड़ रुपया देय है, और बार बार कंपनी के नोटिस दिए जाने के बावजूद भी ये पैसा प्रदेश सरकार ने इस लैब को जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है, जिसके चलते एक कड़वा फैसला जो है वो लैब ने किया है। मैं ये समझता हूं कि ये प्रदेश सरकार का कुप्रबंधन है, वित्तीय कुप्रबंधन है, और प्रदेश सरकार को आम आदमी के हितों की चिंता नहीं करनी। जो एक बहुत बड़ी सुविधा हिमाचल प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मुफ्त में टेस्ट करवाने की पिछली सरकार ने दी थी, कृष्णा लैब के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सभी हॉस्पिटल्स में मरीज अपना टेस्ट मुफ्त करवा सकते थे और उन टेस्टों का खर्चा सरकार वहन करती थी। परंतु जब से ये सरकार आई है उस लैब को इस सरकार ने पैसा देना बंद किया और धीरे धीरे ये राशि बढ़ती गई और अब हिमाचल प्रदेश में लगभग 50 करोड़ रुपए की देनदारी उस लैब की हो गई है, जिससे मजबूर होकर उन्होंने 2 दिन पहले से टेस्ट करने बंद कर दिए, जिससे हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत ही हिमाचल प्रदेश के बिजली बोर्ड के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में शिमला कुमारी हाउस पहुंचे हैं, और वहीं प्रदेश भर से आए कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली और एमडी को हटाने को जोरदार मांग उठाई है। हम जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे आप सबसे जानते हैं कि 2 तारीख से हमारा प्रदर्शन चल रहा है, ये प्रदर्शन की शुरुआत भले ही सैलरीज और पेंशन न मिलने से हुई है, बट हम पहले दिन से ये चीज कह रहे हैं साफ साफ शब्दों में कि सैलरी और पेंशन ना मिलना हमारी प्रॉब्लम नहीं थी। हमारी प्रॉब्लम ये थी कि ये समस्या आई क्यों। 52 ईयर्स के इतिहास में बिजली बोर्ड ने और हिमाचल प्रदेश ने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, पर ऐसा दिन कभी नहीं आया। तो इसमें सबसे पहले जो हमने कहा है कि पिछले 9 महीने से बिजली बोर्ड का जो प्रबंधन है वो अस्थायी रूप से चल रहा है, क्योंकि जो बिजली बोर्ड के एमडी है उनके पास 3 चार्ज है, तो वो 3 चार्ज में बिजली बोर्ड का है, HPPCL का है और DOE का है। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसमें DOE और बिजली बोर्ड के इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, तो एक कारण शायद एक हमें ये कारण लग रहा है जिसकी वजह से फाइनेंशियल हेल्थ बिजली बोर्ड की अफेक्ट हुई है। इसलिए हम चाहते हैं कि बिजली बोर्ड को अलग दंड दिया जाए। केंद्रीय स्कूल ददाहू में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि विधानसभा उपाध्यक्ष और स्थानीय विधायक विनय कुमार मौजूद रहे। आज इस एनुअल फंक्शन पर मैं बच्चों को अपनी तरफ से 11,000 रुपए की राशि भी देता हूं। आप सभी लोग इसी तरह से प्रगति पथ पर आगे चले और अपने गुरुजनों का, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें। मेरा सुभाशीष आप हमेशा आप लोगों के साथ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।